नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव के छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को है, जबकि पांचवें चरण तक के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस चरण में कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दागी उम्मीदवारों की दावेदारी छठे चरण में भी बरकरार है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। देखिए हमारी प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को है। छठे चरण में भी सभी पार्टियों ने दागियों को भी सियासी मैदान में उतारा है। इस चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे 27% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 40 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं, वहीं 23% उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। वहीं पांचवें चरण में भी 27% दागी उम्मीदवार सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR के विश्लेषण में ये तथ्य सामने आए हैं कि छठे चरण में 65 महिलाएं मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। ये संख्या पांचवें चरण की तुलना में काफी कम है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में चुनाव लड़ रहे 676 उम्मीदवारों में से 670 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया। 670 उम्मीदवारों में से 182 यानी 27% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। वहीं 151 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। SP के करीब 83% प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। वहीं BJP इस मामले में पीछे है और उसके 44% प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के 56 में से 22 और BSP के 57 में से 22 प्रत्याशी दागी हैं। दोनों ही दलों के 39% प्रत्याशी दागी हैं। इसके साथ ही आपके 14% प्रत्याशी दागी हैं। जानकारी के मुताबिक छठे चरण में संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र भी सबसे ज्यादा हैं और इस बार 65% निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3 या अधिक दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि BSP प्रत्याशी सुधीर सिंह के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। गोरखपुर की सहजनवा सीट से चुनाव लड़ रहे सुधीर सिंह के खिलाफ 27 गंभीर धाराओं के तहत 26 मामले दर्ज हैं। वहीं कुशीनगर की खड्डा सीट से सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशोक चौहान के खिलाफ 23 गंभीर धाराओं में 19 और गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर के खिलाफ 22 गंभीर धाराओं में 16 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक 8 उम्मीदवारों पर महिलाओं से संबंधित अपराध मामले दर्ज हैं। इसमें 2 उम्मीदवारों पर बलात्कार का भी मामला दर्ज है, वहीं 8 के खिलाफ हत्या और 23 प्रत्याशियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। अगर हम छठे चरण के चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। जानकारी के मुताबिक 670 में से 253 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इसमें SP के 48 में से 45, BJP के 52 में से 42, BSP के 57 में से 44, कांग्रेस के 56 में से 26 और आपके लिए 51 में से 14 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इस मामले में गोरखपुर की चिल्लूपुर सीट से सपा प्रत्याशी विनय शंकर का नाम सबसे आगे है। उनके पास 67 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार जोरों शोरों से करने में लगी हुई हैं। पर ये तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा कि यूपी में किस पार्टी की जीत का परचम लहराएगा। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि अभी भी यानी कि छठे चरण में भी दागी चेहरे यानी कि उनकी उम्मीदवारी बरकरार है। सपा की बात करी जाए तो 48 में से 40 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे ही तमाम चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। ऐसे क्यों आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।